हेलो एवरीवन, हमारे क्वेश्चन आंसर्स चल रहे थे चैप्टर नंबर 3 के। कल हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है आज हमारा, वो है राइट अ नोट ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, एल्गी और जिम्नोस्पर्म की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमको लिखनी है। तो पहला आप डालिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। फर्स्ट पॉइंट, क्लोरेला इज रिच इन प्रोटीन्स एंड यूज्ड एज फूड बाय स्पेस ट्रेवलर्स। सेकंड, अबाउट 50% ऑफ CO2 लिखा था मैंने, लेकिन उसको मैंने काट दिया है, काट दो उसको। अबाउट 50% ऑफ कार्बन फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरीड आउट बाय एल्गी थ्रू देयर फोटोसिंथेसिस। सेकेंड पॉइंट, थर्ड, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। फोर्थ, दे प्रोड्यूस फूड फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म, दे फॉर्म द फर्स्ट लिंक इन एक्वेटिक फूड चेन्स। फिफ्थ, पोरफायरा, सार्गेसम एंड लेमिनेरिया आर यूज्ड एज ह्यूमन फूड। ब्राउन एल्गी, सिक्स्थ पॉइंट, एंड रेड एल्गी यील्ड हाइड्रोकोलॉइड्स एल्जिन एंड केराजिन रिस्पेक्टिवली, दे आर यूजफुल कमर्शियली। ये तो हो गए 5 पॉइंट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। फाइव नहीं, 6 पॉइंट हो गए हैं हमारे, है ना। फर्स्ट क्लोरेला वाला, सेकंड अबाउट 50% ऑफ, थर्ड बीइंग फोटोसिंथेटिक, फोर्थ दे प्रोड्यूस फूड, फिफ्थ पोरफायरा सार्गेसम, सिक्स्थ ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ठीक है, 6 पॉइंट हो गए यहाँ पर, सॉरी मैंने पहले 5 बोल दिया था क्योंकि, ठीक है 6 पॉइंट हो गए हमारे। नेक्स्ट 7th पॉइंट, 7th पॉइंट देखिए आप, अगर ऑब्टेंड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया इज यूज्ड फॉर कल्चरिंग माइक्रोब्स इन द लैब्स एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी के 7 पॉइंट हो गए हमारे। नेक्स्ट है अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। फर्स्ट, द सीड्स ऑफ पाइनस आर ईडेबल। सेकंड, रेजिन ऑब्टेंड फ्रॉम कॉनिफर्स इज कमर्शियली यूजफुल। थर्ड, मैनी यील्ड मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। फोर्थ, आज मेरे से गड़बड़ होती जा रही है बेटा नंबरिंग में बार बार ही। थर्ड के बाद है फोर्थ, सॉरी, सम कॉनिफर्स ट्रीज लाइक पाइनस थुजा आर यूज्ड इन ऑर्नामेंटल प्लांटिंग इन गार्डन एंड पार्क्स। फिफ्थ, कॉनिफर्स प्रोवाइड लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉफ्टवुड विच इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, पैकिंग,
वुड एंड पेपर इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स। सुनिए क्वेश्चन नंबर सिक्स सुनिए आप। बोथ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स बियर सीड्स, देन व्हाई आर दे क्लासिफाइड सेपरेटली। देखो जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म्स हो, दोनों में सीड्स बनते हैं, लेकिन फिर भी दोनों को सेपरेटली क्लासिफाई क्यों किया गया है। देखो एंजियोस्पर्म्स हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप एंजियोस्पर्म्स के बारे में जानते ही हो, है ना, कि ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट्स के जरिए कवर्ड रहते हैं। पढ़ा है आपने पहले टेंथ में भी, तो कर लेते हैं हम ये क्वेश्चन इसीलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए आप। इन जिम्नोस्पर्म्स द ओव्यूल्स आर नेक्ट, दैट इज दे आर नॉट एनक्लोज्ड इन एन ओविल, सो द सीड्स आर ऑल्सो एक्सपोज्ड एज फ्रूट इज नॉट फॉर्म्ड। इन एंजियोस्पर्म्स द ओव्यूल्स आर प्रेजेंट विथ इन द ओवरी, द ओवरी डेवलप्स इन टू अ फ्रूट विथ द ओव्यूल्स डेवलपिंग इन टू सीड्स इन साइड, सो द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर क्लासिफाइड सेपरेटली। हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स तक कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन। व्हाट इज हेटरोस्पोरी, ब्रीफली कमेंट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस, गिव टू एग्जांपल्स। हेटरोस्पोरी क्या होता है, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है और उसके एग्जांपल। ठीक है, देखो हेटरोस्पोरी लिखिए। हेटरोस्पोरी इज द फेनोमेनन इन विच अ प्लांट प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, नेमली माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स, विच डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर साइज एज ऑल्सो इन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल सिलेजिनेला, एजोला, साल्विनिया, मार्सीलिया एक्सेट्रा। अब है सिग्निफिकेंस। इन हेट्रोस्पोरस प्लांट्स द मेगा स्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स रेस्पेक्टिवली। द फीमेल गैमेटोफाइट्स इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट्स into young embryos takes place within the female gametophytes. This event is considered an important step in evolution leading to the seed habit. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट। देखो इसमें पूछा है, कुछ टर्म्स पूछी है। एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग टर्म्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। फर्स्ट पूछा है प्रोटोनिमा, देन एंथ्रीडिया, आर्चिगोनियम, डिप्लोंटिक क्या होता है, स्पोरोफिल और आइसोगेमी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट है प्रोटोनिमा। देखिए प्रोटोनिमा, इट इज अ ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। इट अराइजेस फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर
इन मोस्ट प्लांट। इट इज एन अर्ली स्टेज ऑफ द मॉस गैमेटोफाइट। And its lateral buds on germination give rise to the moss plants। ठीक है, ये हो गया आपका पहला प्रोटोनीमा क्या है। सेकेंड है एंथ्रीडियम क्या है। देखिए एंथ्रीडियम, द मेल शूट ऑफ मॉस प्लांट कंटेन्स रेड कलर्ड एंथ्रीडिया। ईच एंथ्रीडियम इज अ क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन अ शॉर्ट मल्टी सेल्यूलर स्टॉक। ईच एंथ्रीडियम हैज अ स्टीराइल जैकेट कंटेनिंग माइन्यूट बायोफ्लेजिलेट एंथीरोजॉइट्स। ऑन मैच्योरिटी द एंथ्रीडिया एब्जॉर्ब्स वाटर एंड लेट सेल्स रप्चर। द एंथीरोजॉइट्स नाउ ओस आउट द टर्मिनल ओपनिंग ऑफ एंथ्रीडिया इंटू वॉटर या फ्रॉम द टर्मिनल ओपनिंग ऑफ एंथ्रीडिया इंटू वॉटर भी लिख सकते हो, फ्रॉम भी लगा सकते हो बीच में। ठीक है, देखो बेटा हमारा एंथ्रीडियम हो गया। एंथ्रीडियम कंप्लीट होने के बाद मैं आपसे एक बात बताना चाह रही हूँ, वरना मैं भूल जाऊँगी वापस, कल भी भूल गई थी कि कल हमने जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3 किया था हमने कल, जिसमें हमारा क्वेश्चन था नेम 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स दैट बेयर आर्चिगोनिया, ब्रीफली डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एनी वन ऑफ देम। वो लाइफ साइकिल हमने एक्सप्लेन की थी टेरिडोफाइट्स की। ठीक है, उस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल के दौरान आप वो वाला पॉइंट देखना एक बार दोबारा, अपना कॉपी में आप कर रहे हो तब। टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल के दौरान हमारा एक पॉइंट चल रहा था उसमें, देखो ये वाला पैराग्राफ था, द स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस द गैमेटोफाइट विच इज़ मोनोशियस इन होमोस्पोरस स्पीशीज, ऐसा मैंने लिखवाया था आपको। वहाँ पर एक लाइन और ऐड करनी थी हमको, एंड डायोशियस इन हेट्रोस्पोरस स्पीशीज। वो सॉरी मैं कल आपको लिखवाना भूल गई है, मेरे दिमाग से निकल गया, तो यहाँ पर एक ये छोटा सा लाइन और ऐड करना आप। ठीक है, टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल के अंदर, देखो टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल के अंदर जहाँ पर ये पैराग्राफ आ रहा है, द स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस द गैमेटोफाइट विच इज मोनोशियस इन होमोस्पोरस स्पीशीज एंड डायोशियस इन हेट्रोस्पोरस स्पीशीज, हमको लिखना था, ये नहीं लिखी थी हमने लाइन, ये आप वहाँ पर ऐड कर लो। उसके बाद था द गैमेटोफाइट इज स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग थैलॉइड एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ प्रोथेलस इन फर्न्स, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कर लो आप इसको। अब ये करने के बाद हमारा एक और पॉइंट कर लेते हैं, आज एंथ्रीडियम हो ही गया है ना, एंथ्रीडियम के बाद एक लास्ट पॉइंट आज के लिए है आर्चिगोनियम। देखो क्या है आर्चिगोनियम, एट द टिप ऑफ द फीमेल शूट ऑफ मॉस प्लांट देयर आर मैनी आर्चिगोनियम इंटरमिंगल्ड विथ स्टीराइल पैराफाइसिस। Each archegonium is a flask-shaped, raised on a short stalk. It has two parts, sullen portion called the venter and a very long neck full stalk. Venter encloses the axil. Fertilization takes place in the presence of water. The antherozoids released
फ्रॉम द मैच्योर एंथ्रीडिया स्विम इन द मीडियम ऑफ वाटर एंड रीच अप टू आर्चिगोनियम. हो गया आज के लिए इतना बहुत है. कल है हमारा डिप्लोंटिक से, हम कल से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी.